हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉली पाराशर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं जो आपको मेकअप लुक करके दिखाने वाली हूँ वो है ये। और इस मेकअप लुक को देखने के बाद में मुझे नहीं लगता मुझे आपको इस करेक्टर के बारे में या इनके बारे में बताने की ज़रूरत है। और ये वाला मेकअप लुक इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है आजकल, हर कोई इस मेकअप लुक को कर रहा है। तो मैंने सोचा हम भी करते हैं, हम क्यों नहीं करेंगे। तो वही स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर नए पुराने हैं और अभी तक नहीं किया है तो भी आप इसे सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा है। तो वही स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले एक वेट वाइप की हेल्प से मैं अपने फेस को क्लीन कर लूँगी। आप फेस वॉश कर सकते हैं, स्किन केयर कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पे मैं NYV का प्राइमर लगाऊंगी और जो भी मेरे फेस के ओपन पोर्स हैं और उन पे उनको मैं पहले से इसे फिल करूंगी और उसके बाद में पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी मैं इस प्राइमर को। उसके बाद में मैंने लिया यहाँ पे ओरिफ्लेम का ये फाउंडेशन है, मीडियम कवरेज देता है। एक्चुअली ये जो लुक है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कवरेज है नहीं, नॉर्मल सा ही सटल सा ही मेकअप लुक है, तो इसलिए मैंने ये वाला फाउंडेशन लिया, मीडियम कवरेज दे देता है। और इसको मैं ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से लेकर और इसी से हाथ के हाथ ब्लेंड भी करती जाऊंगी। वैसे तो KR आडवाणी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, लेकिन इस मूवी में तो और भी ज़्यादा धमाकेदार लगी हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हैं। और यहाँ पे मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है और मैं अपने आप को बिल्कुल भी उनके जैसा नहीं बनाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर मेकअप लुक रिक्रिएट कर रही हूँ। इसलिए प्लीज़ आप ये मैं सोच रहा हूँ, मैं खुद को KR आडवाणी समझ रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर डार्लिंग इज़ावेला का लिया है कंसीलर और उससे मैं अपने फेस पे जो भी हाइलाइटिंग पॉइंट होते हैं वहाँ लगा लूँगी, डार्क सर्कल हैं थोड़े से वहाँ पे लगा लूँगी हाइड करने के लिए। और उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। और ये मेकअप लुक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप इसे एवरी डे में कर सकते हैं, कहीं आप बाहर जाते हैं तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेकअप लुक लगा है और टर्न आउट होने के बाद में तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, मुझे तो स्पेशली बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद में यहाँ पे मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी साथ के साथ। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया है लूज़ पाउडर और ये लूज़ पाउडर है ब्लू हेवन का है, हाँ ये ब्लू हेवन का है। और सारे प्रोडक्ट के जो बाइंग लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, अगर आप लेना चाहते हैं इनमें से कोई भी प्रोडक्ट तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास में है प्रोडक्ट तो आप वो ले सकते हैं। आपके पास में लूज़ पाउडर नहीं है तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर है आप वो ले सकती हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैंने प्रोडक्ट का यूज़ किया है आप वही सारे प्रोडक्ट लें जो आपके पास हैं वो ले सकती हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पे ये आईब्रो पेंसिल ली है जो कि है मेबलिन की और उससे आईब्रो बिल्कुल भी शेप में नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा एक्चुअली मुझे अपनी आईब्रोज़ को फिल करने के लिए। उसके बाद में मैं इसे अच्छी तरह से फिल करके एक ब्रश की हेल्प से जो भी मेरा प्रोडक्ट है पूरी आईब्रोज़ में लगा लूँगी। उसके बाद में मैंने सेम कंसीलर लिया है, उससे अपनी आईब्रो के एजेस बनाऊँगी क्योंकि बनी हुई नहीं है तो मुझे ये करना पड़ा है। अगर आपके आईब्रोज़ बने हुए मतलब शेप्ड में हैं तो आप ये इसे नहीं करें। उसके बाद में मैंने यहाँ स्विस ब्यूटी के पैलेट से ये एक पिंक और ब्राउन टोन में मिक्स करके ये मैं आई शेडो लगा रही हूँ और ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ये मैंने दो कलर मिक्स करके ही लगाए थे, बस इतना ही है आई मेकअप में, कुछ ज़्यादा शेड है नहीं। उसके बाद मैं कर्ल करके आई लैशेज को और ये हाइपर कर्ल मस्कारा लगा लूँगी, फेक लैशेज नहीं लगाऊंगी, बस मस्कारा ही लगाना है। और उसके बाद में बारी आती है काजल की और इसको मैं काजल को लगा लूँगी लोअर लैश लाइन पर अच्छा खासा मोटा मोटा। और हाँ, मैं इसे ना फिंगर की हेल्प से आप ब्लेंड कर ले तो और अच्छा हो जाता है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपकी जो अपर लैशेज की जो वाटर लाइन है आपको वहाँ पर लगाना है, इससे आँखें एकदम से भरी भरी सी हो जाती हैं और गैप नहीं दिखता है क्योंकि ज़्यादा मेकअप तो है नहीं, लाइनर नहीं लगा रही, तो इसलिए आप ऐसे कर सकती हैं। उसके बाद में ये मेबलिन की है लिपस्टिक है ये, और मुझे इसे लिप्स पर लगाने से ज़्यादा इसका मुझे ब्लश लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा टिंट देती है, हल्का फुल्का सा एवरी डे के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लिप्स पर लगा सकती हैं बहुत अच्छी है, लेकिन ये आप इसे ब्लश के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा ब्लश का इफ़ेक्ट आता है इससे। और इसको मैं ब्यूटी ब्लेंड की हेल्प से भी मैं ब्लेंड कर लूँगी। लिपस्टिक की बारी आती है और यहाँ पे मैं NYV की लिपस्टिक लगा रही हूँ, कुछ ज़्यादा ही न्यूड हो गई थी, कुछ ज़्यादा ही देखो बहुत हल्का सा कलर था, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन की पिंक लिपस्टिक है कि उससे मैं इसमें हल्का हल्का सा कलर दे रही हूँ, यहाँ पे बिंदी लगाती हूँ और ये है मेरा फाइनल लुक। तो गाइज़ बताना ज़रूर आप लोगों को कैसा लगा है लुक, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। हाँ, मैं नहीं लग रही हूँ KR आडवाणी जैसी, थोड़ा बहुत मैंने मेकअप को उनका जो मेकअप है थोड़ा बहुत टच किया है या नहीं किया ये आप मुझे ज़रूर बता देना।
तो बस मिलती हूँ मैं आपसे अपने नए वीडियो में। यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।